Friends, this is our 7th lecture series of Unit Electrostatics, which is belong to your class 12. In this series, I am going to discuss the concept of electric field. So firstly, we understand the concept of electric field. Suppose that ये मैंने एक स्पाइडर बनाया है और स्पाइडर क्या करता है, अपने वेब को क्या करता है, बुनता है, ठीक है, जाल अपनी बनाता है. अब इस पूरे जाल में से एक स्ट्रिंग इधर निकली है, एक स्ट्रिंग इधर निकली है, एक स्ट्रिंग इधर निकली है, एक स्ट्रिंग इधर निकली हुई है, ऐसे ही एक स्ट्रिंग इधर भी निकली हुई है. इट मीन्स ये क्या है, जो स्ट्रिंग है ये अपना स्ट्रिंग क्यों बनाता है, ताकि अगर एक कोई प्रे यहाँ पे आके इसमें से फंस जाए, ट्रैप हो जाए, तो स्पाइडर इस प्रे को अपने पास खींच सके, ठीक है. क्योंकि स्पाइडर क्या करता है, अपने प्रे को पकड़ लेता है और वो उसका भोजन है ना. तो इट मीन्स स्पाइडर इस प्रे को पकड़ने के लिए क्या करता है, अपना एक वेब बनाता है, ठीक है, जो कि वेब प्रे के लिए क्या होती है, इनविजिबल होती है, ठीक है. ये जो वेब है, ये जो वेब आपकी होती है, ये इनविजिबल होती है. इट मीन्स ये उसको दिखाई नहीं देगा, प्रे को दिखाई नहीं देता है. सिमिलर मैनर में चार्ज क्या करता है, ठीक है, वो क्या करता है, एक अपना एक फील्ड बनाता है, ठीक है. देखो, ये इस चारों तरफ अपना फील्ड बनाता है, ठीक. अब अगर इसमें हम एक कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पे ले आए, क्यू नॉट ले आए, तो ये क्या करेगा, इसके थ्रू इस पे एक फोर्स लगेगा, है ना. क्यू नॉट पे क्यू का जो फील्ड होगा वो एक फोर्स लगाएगा क्यू नॉट पे, ठीक. अब अगर क्यू नॉट पे फोर्स लगता है तो नेचुरली क्या होगा, या तो ये अट्रैक्टिव नेचर का होगा या तो ये रिपल्सिव नेचर का होगा, है ना. तो इट मीन्स जो क्यू है वो अपना फोर्स इस पे कैसे लगाता है, ठीक है, बिना टच हुए लगाता है. मतलब है कि जो फोर्स होता है वो हमारा कैसा है, नॉन कॉन्टैक्ट वाला फोर्स है. कैसा फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसकी वजह से लगा, ये जो चार्ज था, ये जो चार्ज है मेरा, ये अपना क्या करता है, एक फील्ड बनाता है. क्या बनाता है, फील्ड बनाता है. और इस फील्ड को हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ए फील्ड इन विच एनी टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस ए सर्टेन फोर्स. एनी चार्ज, एनी टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस ए सर्टेन फोर्स एंड सच फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है वो सिंपली, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज रखोगे तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्यू इंटू ई लगेगा, है ना. इट मीन्स ई की वैल्यू अगर हम डिफाइन करें तो ई की वैल्यू कितनी होगी, एफ अपान क्यू होगी, है ना. अब मेरे पास ई इक्वल टू एफ अपान क्यू आ गया, तो हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है. फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या कहलाएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना. अगर हम बेसिकली चार्ज को, ये क्यू नॉट है, सॉरी, अगर ये क्यू नॉट है तो ई इज इक्वल टू सिंपली हम क्या ले सकते हैं, एफ अपान क्यू नॉट, ठीक. अब क्यू नॉट हमारा कैसा है, वन हमने कंसीडर कर लिया, तो हमारा ई किसके बराबर होगा, सिंपली एफ के बराबर होगा, है ना. तो इसका मतलब है फोर्स पर यूनिट चार्ज इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जो फोर्स पर यूनिट चार्ज हमारा होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. इट मीन्स यूनिट चार्ज के थ्रू एक्सपीरियंस किया जाने वाला फोर्स ही क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करेंगे टेस्ट चार्ज की, ठीक है. तो हम बात करते हैं टेस्ट चार्ज की. देखिए, बेसिकली टेस्ट चार्ज क्या है, जैसे हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि टेस्ट चार्ज लेते हैं, तो टेस्ट चार्ज होता क्या है. अब आपको भी पता है टेस्ट चार्ज क्या है, एक ऐसा चार्ज है जो किसी सोर्स के फील्ड वाले रीजन में जब आएगा तो उस फील्ड को ये अफेक्ट नहीं करेगा. क्या करने वाला है, ये उस फील्ड को अफेक्ट नहीं करेगा. अगर फील्ड को अफेक्ट कर देगा तब तो टेस्ट चार्ज नहीं होगा, लेकिन अगर फील्ड को अफेक्ट ये नहीं करता है देन इट विल बी ए टेस्ट चार्ज. तो इट इज़ ए, बेसिकली इट इज़ ए चार्ज which does not affect the region of electric field
the reason of electric field produced by the source charge, produced by the source charge. Clear? It means क्या है, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं कि जो हमारा टेस्ट चार्ज है, जो हमारा टेस्ट चार्ज डिफाइन किया गया, इट इज़ अ चार्ज विच डज नॉट अफेक्ट द रीज़न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स चार्ज. ठीक है, इस कॉल्ड बेसिकली टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज. और इसको हम डिफाइन शुरुआत में ही हमने कह दिया इट इज़ अ चार्ज, है ना. तो इट इज़ अ चार्ज का मतलब क्या है, इट इज़ कॉल्ड ए टेस्ट चार्ज. क्लियर. अब हम बात करते हैं E इज इक्वल टू F अपान Q, है ना. तो हम बात करते हैं F अपान Q, और F अपान Q से हम क्या करते हैं, डायमेंशन हम इसकी निकाल लेते हैं. क्या करते हैं, हम इसकी एक डायमेंशन फिट कर लेते हैं. देखिए हम इसकी डायमेंशन निकाल रहे हैं, तो डायमेंशन हमारा क्या होगा, E इज इक्वल टू सिंपली F का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू. क्लियर है ना, बोलो. और Q का AT होता है, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकाल लेते हैं, एम एल ए टू दी पावर माइनस वन और T टू दी पावर माइनस थ्री, सिंपली. ठीक, इट मींस आपका E का डायमेंशन क्या हो गया, बताओ, एम एल ए टू दी पावर माइनस वन, T टू दी पावर माइनस थ्री. अब इसकी यूनिट निकाल लेते हैं, है ना, यूनिट ऑफ E. तो यूनिट ऑफ ई की बात करिए तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन. यहाँ से निकालो इस इक्वेशन वन से, फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन. चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम. तो इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर कूलाम. क्लियर. तो ई का यूनिट हमारे पास क्या आ गया, बेसिकली न्यूटन पर कूलाम आ गया. तो अब हमारे पास ई के यूनिट्स हैं, ई के डायमेंशन हैं, और E के डेफिनीशन एक हम लोगों ने बना ली कि E के डेफिनीशन हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनीशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ए पर्टिकुलर स्पेशल टाइप ऑफ फील्ड इन विच एनी चार्ज फील्स ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिपल्सन. सो दैट्स व्हाई दिस इज़ डिफाइंड एज ए फील्ड. एंड बेसिकली फील्ड किसी का भी हो, ठीक है, वो एक्चुअली दिखता नहीं है, ठीक है, उसको हम केवल और केवल फील कर सकते हैं. फील्ड कभी भी किसी का विजिबल नहीं होगा, ठीक है, बट उसका इफेक्ट जो होगा वो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं उस पर दिखेगा. ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट मोर सो दैट एवरी स्टूडेंट्स विल कनेक्ट थ्रू माय चैनल. थैंक यू.